आप यानी नन्नी मुन्नी जानों ने ये इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अल्लाह पाक तौफीक दे देते हैं, हिम्मत भी आ जाती है और फिर बंदा ये कर जाता है। डर नहीं लगता? नहीं, मौत से डर नहीं लगता, बल्कि आई गेस कि एक अल्लाह पाक से मुलाकात का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। तो ये दरअसल सवाल नहीं, बकवास है। एडीपी साइकोलॉजी कंटिन्यू थी मेरी। घर वालों की याद नहीं आती? बहन भाइयों के साथ टाइम गुजरा तो याद तो आती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, किसी ने कोई जबर किया, किसी ने कोई डराया धमकाया, किसी चीज का लालच दिया? अकॉर्डिंग बाइबल भी मैंने जब स्टडी की तो मुझे कहीं भी औरत के लिए कोई मर्तबा या मुकाम नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला से बेहतरीन दोस्त कोई नहीं होता। जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ फुल ओवरऑल मुस्लिम सोसाइटी है। चंद एक दो घर थे जहाँ पे क्रिश्चियंस थे। बचपन कैसा गुजरा, मुसलमानों के साथ क्रिश्चियनों के साथ? मुस्लिम में गुजरा, ओवरऑल ओवरऑल मुसलमान। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी बचपन में किसी ने दावत दी हो आपको कि इस्लाम कबूल कर ले? और जी, हमारे टीचर्स। अच्छा, टीचर्स भी, फ्रेंड्स भी। था मेरा माइंड शुरू से इस्लाम की तरफ था, बिकॉज आई स्टडी इन इस्लामिक एरिया, तो मुझे शुरू से ही ना इस्लाम की तरफ मेरा एक पैशन था, अट्रैक्शन थी। तो मुझे किसी के वो फोर्स करने पे नहीं मैंने ये सब किया, मुझे खुद से था। यानी शुरू से उसका, यानी आपको लगता था कि ये दीन जो है वो ठीक है? जी, दीन इस्लाम की तालीमात। ना चाह के भी मेरी अट्रैक्शन इधर ही रहती थी। और आपका क्या रवैया होता? जब वो मुझे कहती थी कि इस्लाम कबूल कर लो तो थोड़ा अजीब लगता था, मतलब मैं अग्रेसिव भी हो जाती थी, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे तो मेरी पूरी फैमिली है तो नहीं मैं कर सकती। हाँ, यानी हम जिस मजहब में पैदा हुए हैं तो वो मजहब भी ठीक है हमारे लिए। मेरे माइंड में वो सब राइट था। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती गई लाइफ, इन्वायरमेंट देखा और उसमें जो चीज़ें थीं उनको देखा, और फिर लिटरली एक टाइम आया कि मुझे लगा नहीं वो लोग ठीक कहते हैं, चीज़ है, दिस इज़ द कंप्लीट कोर्ट ऑफ लॉ। जी, तो होता था कि जब कभी अजानें होती थीं तो मुझे वो जो गूंज और सदा उठती थी वो सुनती थी, जैसे जैसे मैं सुनती थी मेरी रूह जो है वो सजदा रेज हो जाती थी। अल्लाह अकबर। अच्छा, और बस वो मुझे अपनी तरफ खींचती थी और मुझे अपने और उस मजहब में एक बहुत डिफरेंस नजर आने लग जाता था। यानी आप वो आवाज इतनी अट्रैक्ट करती थी कि बेसाख्ता आप यानी उससे मुतासिर होना शुरू कर। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये अजान है या मुसलमानों की तरफ अल्लाह की तरफ से ये कॉलिंग ऑफ फॉर प्रे है? अम्मा क्वालिफाइड गर्ल, तो मुझे इन चीज़ों का पता था शुरू से, इस्लामी माहौल में रहे, इस्लामी तालीम भी साथ साथ चलती थी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल होता रहा। तो कुछ इस तरीके से भी इस्लामी तालीमात जो थी इस्लामियत में भी हम लोग, यानी इस्लाम से मुतासिर होने का सबसे पहला इफेक्ट ये बना कि अजानें सुनती थी। इवन दैट मैं तहज्जुद में उठ के भी सुनती थी, बस वहीं से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। अरूज, आपके यानी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने का जो सबसे पहला कोई भी एलिमेंट था वो क्या था? जैसे मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी तो एक दफ़ा मैंने कुरान के मुताबिक बुक पढ़ी, तो उसमें एक कंप्लीट कुरान की इस्लाम की एक लाइफ बताई हुई थी उन्होंने एक लड़की के लिए कि कैसे कुरान उसे तब्दील कर सकता है। अच्छा, तो उसने, मैं जैसे जैसे वो बुक रीड करती रही तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक लड़की में ये चीज़ें इजीली डेवलप हो सकती हैं अगर वो कुरान पढ़े। वो लगा आपको कि कुरान एक कंप्लीट गाइडेंस जो है ना वो फ्राम करता है, और अगर इस कुरान को प्रॉपर अगर फॉलो किया जाए तो ये यानी इंसान को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल। तो उसमें ये था कि जो कुरान में जो वो आयात थी, डिफरेंट चीज़ें थी ज़िंदगी के मुतालिक, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट की, तो एक डिफरेंस मुझे फील होने लग गया ईसाइत की जिंदगी में और फिर इस्लाम की जो एक लाइफ होती है उसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि इस्लाम में अल्लाह की वहदानियत को शो किया जाता है, तौहीद बयान की जाती है। जी, और क्रिश्चियनिटी में तीन चीजें होती हैं, बाप, बेटा और कुद्दस, यानी तीन खुदाओं का एक तसव्वुर पेश किया जाता है, मतलब बयान किया गया। तो ये मैं कहती थी कि ये क्या है, यानी ये बुनियादी फर्क आपको लगता था कि इस्लाम में एक खालिस तौहीद का दीन है और ईसाइत में तसलीस का तसव्वुर पाया जाता है, तसलीस फील तौहीद, तौहीद फील तसलीस। मरियम, आपके नजदीक यानी ईसाइत में और इस्लाम में मेन आप डिफरेंस क्या फील करती हैं?
यहाँ पे ग्रेट डिफरेंस है बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. ईसाइत में यह है कि वहाँ पे हज़रत ईसा को अल्लाह पाक का बेटा माना जाता है, हालांकि अल्लाह पाक जो है वो वाहिद हैं, ला शरीक हैं, ना वो किसी से पैदा हुए हैं ना उनसे किसी को पैदा किया गया, बल्कि उसने तो सबको तख्लीक, उन्होंने सबको क्रिएट किया है. तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगता था, अल्लाह एक है और उसी ने सबको क्रिएट किया है. मैं व्हेन आई वाज क्रिश्चियन तो ये सारी चीज़ें तो थी ही कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीसस सन ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिनिटी, लेकिन उसके साथ एक और बड़ा एक जो था वो ये था कि इस्लाम महज आखरत की निजात का वादा इस पे करता है कि वो कहता है कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, फरिश्तों पर ईमान लाते हो, किताबों पर ईमान लाते हो, रसूलों पर ईमान लाते हो और अमले सवाले करते हो, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलु सवालिहात, तो अमले सवाले करते हो, अगर गुनाह हो जाते हैं तो तोबा करते हो, तो अल्लाह सुभान व तआला के फजल से आखरत की कामयाबी और कामरानी का दारोमदार इसके ऊपर है. जबकि ईसाइत में एक बहुत बड़ा एक ब्लंडर है और वो ये है कि मसीही अकायद में ये है कि अगर आप मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, उसको तसलीस का हिस्सा मानते हैं और आपका इस बात पे यकीन है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने हमारा जो मौरूसी गुनाह है जो आदम से हमें मिला उसके लिए अपनी जान को सलीब पर अगर चढ़ा दिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो ईसाइत का अकीदा यह है कि आप दिन में हजार बार भी अगर बुराई करते हैं तो आप वैसे ही बख्शे हुए हैं जैसे कि मसीह अलैहिस्सलाम बख्शे हुए हैं. तो ये मुझे बड़ी एक अजीब बात लगती थी कि हाउ इट्स पॉसिबल, यानी इतनी बड़ी, यू कैन से दिस इज अ ग्रेट डिसेप्शन, एक ऐसा धोखा है जो हम अपनी आवाम को देते हैं, अपने लोगों को देते हैं, जबकि मसीह अलैहिस्सलाम ने अमल की तरफ तवज्जो दिलाई, मसीह अलैहिस्सलाम ने तोबा की तरफ तवज्जो दिलाई और मसीह अलैहिस्सलाम ने एक खुदा को मानने की जो है वो तालीम दी. मसीह अलैहिस्सलाम से एक यहूदी ने पूछा कि उस्ताद तौरात का सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो मसीह अलैहिस्सलाम ने उसको रिप्लाई किया कि तौरात का सबसे बड़ा हुक्म ये है कि खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, जिसको अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी